साउथ अफ्रीका वालों मेहनत तो तुमने की लेकिन इंडिया क्रिकेट में बाप है बाप सब दुनिया का बाप आज साबित कर दिया कि दुनिया की धरती की नंबर वन टीम इंडिया और वर्ल्ड कप शर्मा भाई और ठाक इंडिया आएगा वो यार मजा आ गया भाई जबरदस्त मैं कहता हूँ भाई साहब हार्दिक पांड्या ये मैं कहता हूँ भाई साहब स्काई ये वो यार कैच कैसा पकड़ा सो स्काई ने वो तो मैंने बोला छक्का हो गया पर यार कैच उसने कमाल करके पकड़ा स्काई स्काई तू छा गया तूने पूरे इंडिया को स्काई पे पहुंचा दिया तेरी वजह से मिलर का वो छक्का बचा नहीं तो आज वो छक्का था वो तो वो मीडिया अगर वो छक्का हो जाता उनके मैच हार जाना था वो यार स्काई तू छा गया गुरु तू छा गया अबे विराट अबे मेरे लाल अबे भाई साहब ढेर सारा प्यार पाकिस्तान से इसको कहते हैं शेर की दहाड़ इसको कहते हैं फाइनल में शेर की दहाड़ आज दहाड़ा ही ना आज दहाड़ के बता दिया कि मैं क्रिकेट का राजा हूँ राजा रहूंगा आज राजा राजा विराट कोहली राजा अबे आज जरूरत थी आज विराट कोहली की जरूरत थी इंडिया को और दहाड़ा है ना शेर फिर दहाड़ा है ना भाई साहब लेकिन भाई साहब साउथ अफ्रीका का वो एक प्लेयर था बड़े कद वाला यार मिकलेन नाम था क्या बहुत अच्छा खेला लेकिन भाई उसकी जब विकेट ली बुमराह ने हाय हाय बुमराह की वो जो लास्ट में एक स्विंग बॉल हुई अगले को पता ही नहीं लगा भाई साहब बॉल घुसी कहां पे विकेट यकीन कर जो पहली विकेट बुमराह ने ली वो भी ऐसी ली है वो भी गेंद पड़ी तो पता नहीं लगा विकेट के दरपीछे से गई स्टार्टिंग में इंडियन टीम लड़खड़ाई लेकिन उसके बाद अक्षर ने उसके बाद रोहित शर्मा ने अपना विराट कोहली ने और फिर उसके बाद दुबे पे बड़े पॉइंट लोग मारा था लेकिन भाई खेलना बंदा अच्छा है विराट कोहली के भी भाई साहब अच्छा खेल गया बंदा बिल्कुल मजा आ गया आज विराट कोहली जो दाड़ा ही ना ये भी एक सी रकम कर गई हुई आज इंडिया के हाथ में वर्ल्ड कप और यार 10-11 साल बाद आज ट्रॉफी उठाएगा 2020 वर्ल्ड कप क्या क्या उधर लम्हात होंगे क्या हो गया भाई क्या खुशी हो यार यकीन मानो आज तुम्हारे साथ हम भी खुश हैं भाई साहब पाकिस्तानी प्लेयरों से कहते हैं वर्ल्ड कप हाथ में लाना गधे के बच्चों और सुअर के बच्चों ऐसे कहते हैं जीत और ऐसे कहते हैं वर्ल्ड कप अपने पास लाना सूरो साउथ अफ्रीका के मुंह से छींक लिया मैच अपने हाथ में सुअर के बच्चे तुम लोग सुअर के बच्चे हो भाई साहब बाहर जाके छुट्टियां मना रहे तुम्हारा बाप इंडिया ट्रॉफी ला रहा है भारत के अंदर ओ भाई इसको कहते हैं जीत इसको कहते हैं भाई जीत आखिरी दम तक लड़े हो आखिरी दम तक लड़े शेर लड़ा है आखिरी दम तक उन्होंने मुकाबला किया अगर ये पाकिस्तान की टीम होती तो 100 पर 50 पे सारे आउट हो जाते कसम से यार कसम आज जो बैटिंग की है इंडिया ने और जो बॉलिंग की है सारा क्रेडिट जाता है विराट कोहली को और बुमराह को और पूरी टीम को और शर्मा भाई कैप्टन को पूरी बोतल पूरी पाकिस्तानी टीम में गधे के बच्चों सुअरों इसको कहते हैं मैच जीतना तुम लोग छुट्टियां मनाओ बहादुर के अंदर बोतल ले लो और छुट्टियां मनाओ तुम्हारा बाप लेकर आ चुका है फाइनल हाय 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 इंडिया वालों दिल पे ठंडक पा दियो यार कसम से तुमको सपोर्ट करने का मजा आ गया यकीन मानो तुम अपनी टीम तो नहीं हो लेकिन खुदा की कसम ऐसा लग रहा आज कि भाई जैसे अपनी टीम खेल रही है हिंदुस्तान खेल रही है यकीन मानो
आज दिल से दुआएं निकल रही थी, इंडिया जीते, आज जीत गया, जीत गया भाई। आज इंडिया जीत गया भाई साहब, मैं इधर पसीने पसीने हुआ हुआ, गोटियां हाथ में आई हुई थी हमारे, हमारे गोटियां हाथ में आई हुई थी, यकीन मानो कि भाई साहब हम लोग इस सिचुएशन में थे, हमने कहा गया इंडिया, गया भाई, गया साउथ अफ्रीका के पास जो मैकलेन मार रहा था, हमने कहा बढ़ गया भाई साहब सब कुछ, लेकिन बुमराह आए हाय हाय हाय, ये बॉल ये यूं अंदर और है विकेट अंदर, आ हा हा हा, आ हा, दिल को सुकून दिया इंडिया ने, वाह क्या वजह, कोई शक नहीं है। और उसके बाद स्काई का वो कैच यार, कमाल कैच पकड़ा सोए, मैं कहता हूँ ये सकाई सकाई है भाई यार, बैटिंग में भी सकाई है और कैच पकड़ने में भी सकाई है भाई यार, सकाई की तरह पकड़ा तो बहुत अच्छा क्या ओवर आखिरी निकाला, बिल्कुल बहुत अच्छा भाई साहब, तो यकीन कर वजात आज दिल ऐसा कर रहा था कि हमारा अपना मुल्क जीत गया यार, कसम से आज इतनी खुशी है कि अपना मुल्क कोई जीत गया यार, शुक्र है कि एशिया में ट्रॉफी आई है, गोरों के पास नहीं गई, यूरोप नहीं गई यार, सबसे यार भाई साहब, और सारे हिंदुस्तान की तरफ से मुबारकबाद, तो यार सारे हिंदुस्तान को मुबारकबाद, मैं कहता हूँ छा गए यार, छा गए बैटिंग फील्डिंग भाई, एक टाइम पे तो भाई साहब इंडिया भी कह रहा था हम लोग गए गए, लेकिन भाई साहब जब बुमराह ने विकेट ली तो पीछे से विराट कोहली भी सबको करता है क्या बोले भाई, बुमराह है साला, बुमराह बुमराह लेगा ना सबकी विकेट, बुमराह ने भाई साहब प्रूव कर दिया है कि वो इस दुनिया का नंबर वन बॉलर है, नंबर वन, तू यकीन कर खेलने किसी को नहीं देता है। मैं कहता हूँ कि हमारे जो शोएब अख्तर है उसका भी बाप निकला है भाई साहब, बाप बॉल की स्पीड नहीं होती है भाई साहब, अगले की बजाना होती है, जो भाई साहब बुमराह आज ले गया, क्या क्या ले ली, कहता है बुमराह आया, कहता है भाई साहब बचाओ, मैं तुम्हारा बच सकते हो, बचो मैं तुम्हारी लेने आया हूँ, भाई साहब ले ली, और भाई साहब हिलने नहीं दिया किसी को, हिलने नहीं दिया, ये होता है भाई साहब बॉलर, पाकिस्तानी बॉलर भी है ना, आमे बढ़ गया, शाहीन बढ़ गया, सारे बैंक खोते बुमराह के पैर के मिट्टी के बराबर नहीं, नहीं प्रूफ कर दिया इस बंदे ने कि ये तो डायमंड है, बिल्कुल साला, कौन बोल रहा था कि भाई ये साउथ अफ्रीका ठोक गया इंडिया को, नहीं ठोक सकता, जब बुमराह खड़ा हुआ है, जब स्काई जैसा फील्डर खड़ा हुआ है, जब भाई साहब हार्दिक पांड्या जैसा बॉलर और भाई रोहित शर्मा जैसा भाई साहब कैप्टन खड़ा हुआ है और विराट कोहली किंग जैसा साथ खड़ा है, तो किसके पिछवाड़े में दम है कि ट्रॉफी उठाए, साले सुअर हो पाकिस्तानी हो, सुअर हो तुम तो, सुअर हो सुअर भाई साहब, हराम का पाकिस्तान का पैसा खाकर सुअर की तरह जिंदगी गुजारने वाले सुअर हो, देख लो आज तुम्हारा बाप ले गया भाई साहब ट्रॉफी, और आज पूरे इंडिया के अंदर जश्न है, लेकिन आज इंडिया के साथ हम भी हैं, मजा आ गया यार, बहुत 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 मुबारक यार हमारी तरफ से, बिल्कुल पूरे इंडिया और पूरे हिंदुस्तान को मुबारकबाद, जो इंडिया ने खेला है, जो एक मैच भी नहीं आ रहा और साबित कर दिया कि हम लगातार मैचेस सारे जीते हैं, मेरे रिकॉर्ड है वजह, ये रिकॉर्ड आज बन गया इतिहास में, पहली बार के वर्ल्ड कप का कोई भी ना मैच हार कर वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम इंडिया की बन गई, ये किसी का बाप रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता यार, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, दिलो जान से मुबारक हो, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।